हेलो फ्रेंड्स, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी जो गुरुग्राम के साथ होने वाली है उसका स्टेटस देखेंगे। अभी भी ये रोड है अनइवन है, तो यहाँ से इन फ्यूचर अगर आप कापासेडा की तरफ चाहते हैं तो आप द्वारका एक्सप्रेसवे से यहाँ से कनेक्ट करेंगे, फिर आप गुरुग्राम की तरफ जा सकते हैं। अभी ये जो ट्रैफिक का मोमेंट है ये कुछ दिनों बाद यहाँ से बंद हो जाएगा और ट्रैफिक के मोमेंट को शिफ्ट कर दिया जाएगा जो ब्रिज बना है उस पर, उसका भी स्टेटस दिखाएंगे आपको। अभी यहाँ पे देखिए कंक्रीट के जो स्ट्रक्चर है इसके ऊपर ट्रैफिक का मोमेंट है और यहाँ से आगे जाना मना है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो जगह है ये है डिवाइडर, ये मिडिल पाथ है, बिल्कुल जस्ट मिडिल वे है ये। इसके दोनों साइड 17-17 लेन होंगी और ये साइन बोर्ड पहले से इंस्टॉल हो चुके थे, कंक्रीट का स्ट्रक्चर पहले से बन के तैयार था। अब इसको कनेक्ट कर दिया गया ब्लैक टॉप करके द्वारका एक्सप्रेसवे से। अब ये जो ब्लैक टॉप का काम चल रहा है ये है द्वारका एक्सप्रेसवे, साइन बोर्ड पहले ही इंस्टॉल हो चुके थे यहाँ पे। ये सरफेस वाला रोड देखिए, एक साइड है ट्रैफिक का मोमेंट, बीच में ये बैरिकेड्स हैं लगाए हुए हैं और दूसरी साइड अभी लेवल किया गया है रोड को। और ये वाला जो रोड है ये इसके यहाँ पे दो प्रोविज़न होंगे, एक तो आप नजफ़गढ़ की तरफ जा सकते हैं, दूसरा सामने जो स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ से ये जो एंगल्स हैं ये हट जाएंगे, फिर यहाँ से कनेक्टिविटी होगी दिल्ली के लिए। इस रोड के अभी भी कंडीशन वैसे के वैसे है, नो इम्प्रूवमेंट। ये जो रोड है सामने नजफ़गढ़ की तरफ कनेक्ट होगा, वैसे रूट का जो नॉलेज है वो मैक्सिमम जो व्यूवर्स हैं उनको ऑलरेडी हो चुका है, ये एक फॉर्मेलिटी होती है बताने के लिए। ये जो ब्रिज है इसको बना के और इसको कलर भी कर दिया गया है, यह भी काम काफ़ी रैपिड स्पीड में होता है। अब ये दूसरी साइड है जहाँ से इस ब्रिज की कनेक्टिविटी मिलेगी। रोड बन के तैयार है, ब्लैक टॉप हो चुका है। कुछ दिनों पहले तक यहाँ पे ट्रैफिक लाइन मार्किंग नहीं थी लेकिन अब वो भी हो चुकी है। ब्रिज पे एटलीस्ट एंड टू एंड ये ट्रैफिक लाइन मार्किंग हो चुकी है, ऊपर स्ट्रीट लाइट लग चुकी है नॉइज पोल्यूशन के लिए। यहाँ पे देखिए ये बैरियर्स लग चुके हैं, कुछ दिनों बाद ये ओपन हो जाएगा। नीचे वाला रास्ता है उसको बंद कर दिया जाएगा क्योंकि अब वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी को ओपन कर दिया जाएगा गुरुग्राम के साथ। इवन गुरुग्राम वाला सेक्शन है ऑलमोस्ट बन के तैयार है, इनॉग्रेशन के लिए रेडी है। दिल्ली वाला साइड जैसे ही पूरा होता है, ये अभी पूरा भी नहीं होता है, तो मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता से पहले इसको गवर्नमेंट की एफर्ट रहेगा इसको इनॉग्रेशन करना, क्योंकि ये भी एक अच्छा एक एफर्ट है, काम है गवर्नमेंट का, इसको लेके वो चुनाव में जाएंगे कि हमने एक एलिवेटेड रास्ता जो दिल्ली के ट्रैफिक कंजेशन को काफ़ी कम कर देगा वो बनाया है। तो ये अचीवमेंट्स हैं गवर्नमेंट की जिसको लेके गवर्नमेंट जनता के बीच में जाएगी अपने 2024 इलेक्शन जनरल इलेक्शन में। सीधा रोड है नजफ़गढ़ की तरफ चला जाएगा, यहाँ से हमें लेना है यू टर्न। यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड पे एक अंडरपास है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो रोड है ये सरफेस रोड है। अगर आप दिल्ली की तरफ जाएंगे तो इसको यूज करेंगे।
अंडरपास बन के तैयार है, लेकिन अभी भी वहाँ लिखा हुआ है ओनली फॉर ट्रायल नॉट फॉर पीपल, लेकिन स्टिल ट्रैफिक का मोमेंट है वहाँ पे, मैक्सिमम वहीं से ट्रैफिक निकलता है। सामने जो यू टर्न में एक ब्रिज देख रहे हैं आप, वो दिल्ली से अगर आप यू टर्न लेना है या फिर नजफ़गढ़ की तरफ जाना है तो इसको यूज करेंगे। अब ये वो जगह हैं जहाँ से आपको कनेक्टिविटी मिलेगी IICC में। दिल्ली में विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है इस टाइम। कल रात को बरसात हुई थी तो डस्ट पार्टिकल भी काफ़ी यहाँ पे कम है। ये है पैकेज सेकंड द्वारका एक्सप्रेसवे का। और ये जो वॉल है ये IICC की वॉल है, 40 किलोमीटर पर आवर की यहाँ पे स्पीड है। लेकिन इतना इतना वाइड एक रोड और इतनी अच्छी क्वालिटी का अगर रोड होता है तो 40 किलोमीटर तो रेयर टू रेयर कोई चलता है। फिर स्टिल यहाँ पे एक बोर्ड है 40 किलोमीटर पर आवर। तो एलिवेटेड जो पार्ट है उस पर स्पीड लिमिट कितनी होगी, अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये डिफरेंट गेट्स हैं IICC के। सामने है भड़तल चौक जहाँ पे साइन बोर्ड वगैरह इंस्टॉल हो चुके हैं, अब सेगमेंट लगाने का काम चल रहा है। क्योंकि यहाँ से डिफरेंट डेस्टिनेशंस के लिए कनेक्टिविटी मिलेगी तो यहाँ जो पिलर्स हैं उनका एक क्लस्टर सा देखने को मिलता है। ये दूसरी साइड है, ये द्वारका सेक्टर 22-23 से जो रास्ता कनेक्ट करता है द्वारका एक्सप्रेसवे से, इसको भी ब्लैक टॉप कर दिया गया है। इसका एक रास्ता कंप्लीट है जो राइट हैंड साइड वाला है। लेफ्ट हैंड साइड वाला जो इन फ्यूचर दिल्ली से और द्वारका एक्सप्रेसवे में कनेक्ट होगा, यानी द्वारका से द्वारका एक्सप्रेसवे में कनेक्ट होगा, उस वाले रास्ते पे एक लॉन्चर पे दो पिलर के बीच में सेगमेंट लगना बाकी है। यहाँ देखिए जो सरफेस है, जो पिलर्स के नीचे जो सरफेस है उसको यहाँ पे एक्सकवेट करके यहाँ पे ड्रेनेज बनाने का काम चल रहा है। और इस जगह पे देखिए ब्लैक टॉप कर दिया, तो वो जो प्रॉब्लम थी यहाँ पे अनिमन रोड था वो प्रॉब्लम समाप्त हो चुकी है। यहाँ पे जो पेवमेंट है उसको बनाने का काम चल रहा है। सामने जो क्रेन लगी हुई है वो बटरफ्लाई लूप पे सेगमेंट लगाने का काम चल रहा है वहाँ पे, तो सामने वाला रास्ता को बंद कर दिया गया है। यहाँ देखिए रॉन्ग साइड चलने वाले, मतलब यहाँ ओवरटेक करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन पेशेंस लगभग ख़त्म होता जा रहा है लोगों में। सामने जो बटरफ्लाई लूप का ये जो पार्ट है इसको यहाँ कंप्लीट कर दिया गया, बस इसके साइड वॉल्स बनना बाकी है। ये काफ़ी वाइड रास्ता है लेकिन ये स्ट्रक्चर बनने के बाद काफ़ी नैरो सा दिखता है। दोबारा भड़तल चौक की तरफ जाते हुए सामने जो सेगमेंट हैं जो डिसकंटिन्यू हैं वहाँ पे एक पोर्टल बीम आएगा आगे, उसके बाद जो लॉन्चर है वो कंप्लीट कर देगा इस वाले पोर्शन को। इसमें भी टाइम लगना बाकी है, बाकी मैक्सिमम बाकी यहाँ पे सरफेस रोड कंप्लीट है इंटरसेक्शन तक, इवन एलिवेटेड रास्ता है वो भी कंप्लीट है। ये है द्वारका सेक्टर 25 मेट्रो स्टेशन, और यहाँ पे अभी कार पार्किंग की कोई फैसिलिटी नहीं है, तो आगे चल के दिखाते हैं आपको लोग कैसे यहाँ पे पार्क करते हैं। देखिए यहाँ पे पार्क करके एक लाइन से यहाँ पे पार्क करके लोग
मेट्रो यूज करते हैं। एलिवेटेड पार्ट है वहाँ पे, जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उनको इंस्टॉल कर दिया गया है। इवन उनको ट्रायल बेसिस पे उनकी टेस्टिंग भी हो रही है रात को। ये जो लाइट्स हैं ये लिट अप्स होती हैं रात को, तो अगर आप यहाँ पे आते हैं रात को तो सरफेस पे तो लाइट नहीं होती, लेकिन एलिवेटेड पार्ट पे जो लाइट्स हैं उनकी टेस्टिंग हो रही है, तो उनको जला के रखते हैं। अभी जो ट्रैफिक का मोमेंट है अभी हाल फिलहाल वो काफ़ी यहाँ पे डिस्टर्ब है, क्योंकि एक ही रोड पे ट्रैफिक का मोमेंट है, तो काफ़ी यहाँ पे असुविधा होती है यहाँ पे जो ड्राइव करता है। लेकिन इन फ्यूचर जब दोनों रोड ओपन हो जाएंगे, एलिवेटेड पार्ट ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई ज़्यादा खास प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। और इवन जो लोग अगर ट्रैफिक रूल्स का को फॉलो करेंगे तो सब अपनी अपने डेस्टिनेशन पे सेफ और टाइमली पहुंच पाएंगे। और ऐसा एक रेस्पॉन्सिबल इंसान को करना भी चाहिए। वंस अगेन ये वो इंटरसेक्शन नजफगढ़ कापसेड़ा वाला, और यहाँ से कनेक्टिविटी होगी गुरुग्राम के लिए। और यहाँ जिस साइड में हम घूम रहे हैं, इस साइड में अगर आप जाते हैं तो आप कापसेड़ा की तरफ चले जाएंगे। तो ये था वीडियो जो पैकेज सेकंड और कनेक्टिविटी से रिलेटेड था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। और ऐसी ही कोई डिमांड है किसी सेक्शन का वीडियो आपको देखना है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। Thank you so much.